नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने खादी एसेंशियल्स और खादी ग्लोबल को खादी ब्रांड का अनाधिकृत और धोखे से इस्तेमाल करने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये दो कंपनियां ऑनलाइन कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती हैं, ऐसे में ग्राहकों को खादी के नाम के साथ गुमराह किया जा रहा है। कंपनियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट अकाउंट को डीएक्टिवेट करने को कहा गया है। केवीआईसी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर दोनों कंपनियां 7 दिनों के भीतर नोटिस की बातों का पालन नहीं करती हैं तो दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में सप्ताह पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का एकल शुद्ध लाभ हुआ है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1018 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में पीएनबी ने कहा है कि इन आंकड़ों की तुलना पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के आंकड़ों से नहीं की जा सकती, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय प्रभावी हुआ है। तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 24,292 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। HSBC बैंक ने भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। ग्रीन डिपॉजिट की रकम की उपलब्धता बैंकों के टर्म डिपॉजिट जैसे रुपयों में ही होगा। बैंक ने बताया कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट के लिए है। बैंक ग्राहकों को हर तिमाही इससे जुड़ी जानकारी पोर्टफोलियो स्तर पर देगी। बतौर प्रोडक्ट ग्रीन डिपॉजिट के लिए बैंक के अन्य टर्म डिपॉजिट जैसे ही स्टेबल प्रिंसिपल प्री एग्रीड रिटर्न होगा। 5 मार्च की देर शाम प्रशांत कुमार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उनके पहले बॉस से अप्रत्याशित रूप से फोन आया। उन्हें देश के सबसे ज्यादा मुश्किल वाले प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक को बचाने का काम करने को कहा गया था। इसके साथ एक शर्त ये भी थी कि अगर प्रशांत कुमार हाँ कहते हैं तो अगले दिन सुबह 8 बजे उन्हें काम के लिए रिपोर्ट करना होगा। यस बैंक के नए MD के रूप में प्रशांत कुमार को यह भी नहीं पता था कि यस बैंक का ऑफिस कहाँ है। उन्हें सुबह ऑफिस पहुंचने के लिए गूगल का सहारा लेना पड़ा और इस तरह से वह ऑफिस पहुंचे। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का ICU, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक कान गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रामा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रामा और फ्रैक्चर केयर, जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पूजा होटल के आगे परासिया रोड छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162-242-242, मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार एक ओर जहां भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन ने भारतीय सामानों का जमकर आयात किया है। साल जून में चीन में भारतीय उत्पादों का निर्यात 78% बढ़ा है। कोरोना संकट के बीच बड़े पैमाने पर नए निवेशक शेयर बाजार से जुड़े हैं। सेबी के मुताबिक कोरोना काल में हर महीने औसतन 5 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान घर बैठकर लोगों से शेयर बाजार में हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। खासकर युवाओं का इस दौरान रुझान बढ़ा है। वहीं कुछ लोग अतिरिक्त कमाई के लिए शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं। मोटरोला, ओप्पो और ज्योमी आने वाले हफ्ते में भारत में नए फोन्स लॉन्च करने जा रही है। नए स्मार्टफोन के बजट और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आने की संभावना है। हालांकि मोटरोला ने देश में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना के बारे में आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन ओप्पो ज्योमी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि वे ओप्पो A53 और Redmi 9 लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। ज्योमी, जो कभी बाजार में एक जाना माना ब्रांड था, अगले हफ्ते ज्योमी मैक्स लेकर आ रहा है और कंपनी इसे जबरदस्त बैटरी लाइफ के साथ आने के लिए टीज कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।